मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी 3:28 हो चुका है और मेरा नींद भी अभी खुल चुका है। तो फटाफट से तो मैं अभी फ्रेश हो चुका हूँ और बाहर का नज़ारा देखिए, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। और यहाँ पे एक लाइट है, तो थोड़ा सा लाइट है यहाँ पर। और ये देखिए I-20 रोड पे ही खड़ा है। और कुत्ते लोगों को देखिए, यहाँ पर ही सारा रात सो जाते हैं, यहीं पे रात में गुजारते हैं। इसका रात पूरा रात यहीं पे सोते हैं। और अभी सेंट्रो को निकालेंगे गैरेज से। तो सेंट्रो को मैंने गैरेज से निकल लिया है। और ये देखिए कुत्ते लोगों का जो नींद है वो मैंने डिस्टर्ब कर दिया है उन लोगों का। और ये है सेंट्रो और इसका बड़े भाई I-20, इसका पीछे ही खड़े हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं। तो अभी बज रहा है सुबह को 5 और अभी हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे। और किलोमीटर भी देखिए 9,622 किलोमीटर चल चुका है। तो यहीं से शुरू करते हैं आज का जर्नी और देखते हैं कितना किलोमीटर जाते हैं और माइलेज भी कितना रहता है। और रास्ते में स्टेट बैंक ATM में हम लोग रुके हैं। और ये है टाउन का मेन ब्रांच SBI का। और ये रहा सेंट्रो, तो यहाँ से पैसा वैसा निकल लेते हैं। तो पहले हम गए थे मुंगाबाड़ी और वहाँ से एक भैया को मैंने उठाया कि वो भी साथ में जाएंगे। और आज हम टाउन होकर नहीं जाएंगे, बाईपास होकर जाएंगे। और ये है छोर्रा का रेल गेट। तो छोर्रा से डायरेक्ट ये जो रास्ता जाता है वो गेंगड़ा तक जाता है और वहाँ से जाके डायरेक्ट बांकुड़ा का रोड पकड़ता है। और यह है लाल कलर का टियागो जो मेरे आगे खड़े हैं। तो थोड़ी दूर जाके ही हम लोगों ने थोड़ा सा रुका है कार को। और ये देखिए सूरज देवता अभी ड्यूटी पे थोड़ा थोड़ा सा करके आ रहे हैं और हम लोग अभी थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं। मॉर्निंग के टाइम पे जो सीन होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने के लिए। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, बहुत अच्छा लगता है देखने के। और इस जगह का नाम है हुड़ा। और यहाँ पे सेंट्रो भी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं खुद को, ये भी ज़रूरी है कार के लिए, भी उनको भी रेस्ट देना चाहिए। तो बांकुड़ा घुसने से पहले ही एक टोल गेट आता है, ये पहले बंद था। मैं 1 साल पहले यहाँ पर आ चुका था लेकिन उस समय पे ये बंद था। तो आज मेरे पास मेरे जो कार है उसमें फास्टैग नहीं है, तो यही मौका है। तो चलिए यहाँ पे फास्टैग लगा लेते हैं। और ये जो भैया को आप देख रहे हो ये फास्टैग का ही प्रोसेसिंग कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा फास्टैग नहीं रहने से मेरा जो कटा पैसा लगा वो है 120 रुपीज़। अगर फास्टैग रहता तो वो 60 रुपये में ही काम चला लेता, लेकिन फास्टैग नहीं था तो मुझे 120 रुपया देना पड़ा। तो चलिए फास्टैग को पहले इंस्टॉल करते हैं। तो फास्टैग का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है और ये विंडशील्ड पे चिपकाएगा। लेकिन चिपकाने समय एक बहुत ध्यान रखना, ये कभी भी आउटसाइड के तरफ ना लगाएं ताकि बारिश में या धूप में ये इसका खराब हो सकता है। तो जब भी चिपकाएं विंडशील्ड के अंदर ही चिपकाएं। तो ये देखिए कैसे चिपका रहा है। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 300 रुपया और उसमें मुझे 150 रुपया का बैलेंस भी मिल गया है। बांकुड़ा बस स्टैंड में, और ये है बांकुड़ा का बस स्टैंड। तो थोड़ा सा काम था, काम हम लोगों ने निपटा लिया है और अब जाएंगे घर और देखते हैं कितना किलोमीटर अभी चला है। तो हम लोग घर से निकले थे 22 पे और अभी हो रहा है 9, यानी 78 80। तो भाई यहाँ तो ढाबा मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोगों ने कचौरी और घुगनी थोड़ा थोड़ा करके खा लिया। और आगे देखते हैं जाके कहीं पे ढाबा मिलता है तो वहाँ पे रोटी वोटी कुछ खा लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। और ये देखिए बापी दा, ये भी कचौरी और घुगनी खा रहे हैं। तो हम लोगों का काम अभी पूरा हो चुका है और आए हैं ढाबा, यहाँ खाना वाना खाएँगे और उसके बाद निकलेंगे घर। तो चलिए चलते हैं, खाना वाना खाते हैं ढाबा में। जय बाबा तारकेश्वर धाबा, सीसीटीवी जोन।
और ये है मेरा सेंट्रो, मैंने यहाँ पार्क कर दिया है सेंट्रो को। ढाबा में जो रोटी और तड़का मिलता है ना, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। यह जो तड़का है ये बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए मदर डेयरी का अभी वाटर भी आने लग चुका है, तो मदर डेयरी के पानी पीते हैं। फिर ये देखिए चिल्ली, ये तो आपको पता ही है, तो धीरे धीरे खाते हैं फिर चलते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा चाय हो जाए ना, तो बहुत ही स्वाद मीठा हो जाता है। क्यों, चाय कैसा है? बहुत टेस्टी। तो चलिए फिर चाय वाय पी के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर टोल गेट के अंदर फिर से गुजरना पड़ रहा है। और अभी देखिए ऑटो अकाउंट से पैसा काट लेगा। ये देखिए पैसा भी काट लिया है और गेट भी उठ गया है। तो यही फ़ायदा है फास्टैग रहने का, ना आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ना कुछ। तो यहाँ से अभी भी घर पहुँचने में 70 किलोमीटर है। और सेंट्रो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी पूरा एसी चल रहा है और घर तक चलेगा। पहले जब सुबह हम निकले थे तो उतना एसी नहीं चलाया क्योंकि ठंड था सुबह सुबह, और अब घर जा रहे हैं तो मतलब एसी फुल चलेगा, रिटर्न के टाइम फुल एसी चलेगा। तो परफॉर्म भी बहुत ही अच्छा किया है और माइलेज भी 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर का मुझे मिल रहा है। और बांकुड़ा का जो रोड है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा रोड है, जहाँ पर मुझे ड्राइविंग करने में उतना मुश्किल नहीं हुआ। और सेंट्रो का जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। जब आप हाईवे पे ड्राइव करोगे या लॉन्ग जर्नी पे निकलोगे घर से, तो उतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ये मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छा इसका सीटिंग कैपेसिटी है। इसका ब्रेक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। जहाँ आप रुकना चाहोगे आप रुक सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप हाईवे पर चलते हो तो स्पीड 80 से 90 तक ही रखना, 100 में मत जाना क्योंकि दुर्घटनाएं भी घट सकते हैं, तो ऐसा मत करना। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो में अपने चैनल को रेगुलर डालता रहता हूँ, कार रिलेटेड और ड्राइविंग रिलेटेड ऐसा वीडियो मैं रेगुलरली डाल रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।